सुनील प्रभाकर जी बहुत शानदार, जो मुझे याद है पंक्तियां, मैं तो 20 साल पहले सुना था, वो हाथ में तिरंगा था, जो तिरंगा पर जो इनकी पंक्तियां हैं, तो हमको सचमुच, और आज हमारे जो अतिथि जी ने जो संकेत दिया, उस संकेत के हवाले से मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजा दें, जोरदार तालियों के साथ सुनील प्रभाकर जी को, जोरदार तालियों के साथ। मंच को प्रणाम करता हूं, इस भूमि को प्रणाम करता हूं, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। सच में बिहार के हाथ में संचालन है, बिहार गया की भूमि है, श्राद्ध की भूमि है, श्रद्धा की भूमि है, और आज जरूरी नहीं कि बिहार का की चर्चा आए, बिहार का जिक्र आए तो सब लोग बिहार के कुछ जो नामचीन दो चार नाम है उन्हीं पर। एक ऐसा आदमी आप जानते हैं कि एक छोटे से बुलावे पे आज हमारे सराय नहर राय चला आया, ये अपने समय में अपने प्रांत के आकाशवाणी के सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे, और आपको मैं बताऊंगा आप तालियां बजाने से रोक नहीं पाएंगे, आपकी बिटिया विधायक है बिहार में, एक बार जोरदार ताली बजाएं। ये सराय नहर राय की धरती जो है वो आज धन्य है कि आप एक छोटे से बुलावे पे आए। मैं बात वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ राव वीरेंद्र सिंह साहब छोड़ के गए थे। जी जी, अब तो अब आगे जाना चाहिए। आइए, कुछ छंदों की बात भैया ने की है, मैं वहां तक पहुंचने के पहले एक सेतु बनाना चाहता हूं। जी जी जी, हमारे पड़ोस में एक मुल्क है, मंच का ध्यान चाहूंगा, अफगानिस्तान। देखिए संस्कृतियों का कैसे उतार चढ़ाव आता है, लोग जहाज का पहिया पकड़ पकड़ के भागे हैं वहां से। मैं एक छंद पढ़ता हूँ, वहां एक जगह है बामियान साहब, बामियान में बहुत बड़ी बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी। हम तो ये मान के चलते हमारे हिंदू कल्चर में यह है कि भगवान पर जो भी आप चढ़ाएंगे वही आपको कई गुना होके वापस मिलेगा। यहां से बात सुनिएगा कि बामियान में खड़े थे बुद्ध भगवान, उन्हें सह ना सके तो तोप गोले चलवा दिए। छंद का एक एक बंद सुनिएगा, छंद की चौथी पंक्ति पर तालियां बजाई जाती कि बामियान में खड़े थे बुद्ध भगवान, उन्हें सह ना सके तो तोप गोले चलवा दिए, टूटती भुजाएं खंड खंड होता पिंड देख, जग रहा शांत पर बुद्ध मुस्करा दिए, जग रहा शांत पर बुद्ध मुस्करा दिए, वो थे भगवान उसे मान लिए उपहार, वो थे भगवान उसे मान लिए उपहार, उनके ही खातों में जमा उसे करा दिए, उनके ही खातों में जमा उसे करा दिए, और एक गोली पे हजार गोलों का लगा के ब्याज, थोड़े दिन बाद उन पे ही बरसा दिए। वाह वाह वाह, गोली पे हजार गोलों का लगा के ब्याज, थोड़े दिन बाद उन पे ही बरसा। और मित्रों, भगवान पर जो चढ़ाइएगा, अपने इष्ट पर जो चढ़ाइएगा वही मिलेगा। एक घटना इस देश में हुई, भगवान राम के बारे में जब कोर्ट में मुकदमा गया तो कुछ लोगों ने कहा कि भगवान राम का अस्तित्व है या नहीं है, अभी तो यही विचार करना है, अभी यही बाकी है कि वो एक कथा है या वास्तव में राम जी हुए थे। एक छंद में पढ़ता हूं कि भगवान पर ये जो भाव चढ़ा उसका परिणाम क्या हुआ। क्या बात, वाह, हमने भगवान से बात करी, चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि प्रभु है निवेदन है कि क्रोध नहीं कीजिएगा, प्रभु है निवेदन है कि क्रोध नहीं कीजिएगा, लक्ष्मण जी को भी संभालिएगा आप ही, लक्ष्मण जी को भी संभालिएगा
आप ही आप सरकार हैं। उदारता के सिंधु नाव जब भी फंसेगी तो उछालिएगा आप ही आप सरकार हैं। उदारता के सिंधु और नाव जब भी फंसेगी तो उछालिएगा आप ही। आप पर वजूद को नकारने का भाव चढ़ा आप पर वजूद को नकारने का भाव चढ़ा। इनका वजूद मेट डालिएगा आप ही इनका वजूद मेट डालिएगा। और मित्रों उस पार्टी का वजूद मिट गया, आज वजूद दिखाने लायक नहीं जिन्होंने शपथ पत्र दाखिल किया था कि राम जी का वजूद नहीं कोई अस्तित्व नहीं। चार चार पंक्तियां पढ़ता हूं मैं तिरंगे की चर्चा की भैया ने। इस देश को गांव के गरीबों ने इस देश की संस्कृति को संभाला है। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं चार अक्षर पढ़ी एक पत्रकार पाकिस्तान में गई उन्होंने कहा तिरंगा कपड़े का टुकड़ा है जो हमारी भावनाओं को तंग करता है। असल में हम पूरी दुनिया के नागरिक हैं हमको उन्होंने कहा तिरंगा कुछ लाभकारी है। उन्होंने कहा हाँ ये मुर्दों को लपेटने के काम आता है। और ये जो अरुंधति राय का बयान था उसके बाद की पंक्तियां हैं मैं चार पांच छंद आपको लेके चलूंगा सुनिएगा कहां कहां था तिरंगा जिसका तुम अपमान कर रहे हो। पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है स्वागत। कि देश के चरण में चढ़ाने चले शीस उन देश भक्त योद्धाओं के हाथ में तिरंगा था। देश भक्त योद्धाओं के हाथ में तिरंगा था। और बापू ने चुनौती दी विशाल साम्राज्य को तो बापू के समय जो साम्राज्य था सूरज नहीं डूबता था। बापू ने चुनौती दी विशाल साम्राज्य को तो धोती थी लंगोटी थी और हाथ में तिरंगा था। धोती थी लंगोटी थी और हाथ में तिरंगा था। जलिया की बाग में रचा जो क्रूर इतिहास जितने वहां थे सांस सांस में तिरंगा था। जितने वहां थे सांस सांस में तिरंगा था। चंद्रशेखर के कनपटी से चली लकीर घास पे गिरे तो बना माथ पे तिरंगा। चंद्रशेखर के कनपटी अरे जिंदाबाद भाई सुनील जी वाह वाह। एक बार जोरदार तालियां बजाइए जोरदार तालियां। और ये छंद फिर से पढ़ दीजिए। वाह ये सब मेरे घर के लोग हैं नहीं फिर भी और ये ताली हो सकता है घर पे जाके बजाया। हाँ नहीं 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 आप पढ़ रहे हैं एकदम भैया का आदेश है ये छंद मैं दोहराता हूं। हां हां बहुत। देश के चरण में चढ़ाने चले शीश उन देश भक्त योद्धाओं के हाथ में तिरंगा था। बापू ने चुनौती दी विशाल साम्राज्य को तो धोती थी लंगोटी थी और हाथ में तिरंगा था। जलिया की बाग में रचा जो क्रूर इतिहास जितने सांस में तिरंगा था। जितने महात सांस सांस में तिरंगा था। और चंद्रशेखर के कनपटी से चली लकीर घास पे गिरे तो बना माथ पे तिरंगा। वाह 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 एक बंदे बहुत अच्छे प्रयागराज में पढ़ते समय एक बंदे ने पूछा कि घास पे गिरे तो माथ पे कौन तिरंगा बन गया। हमने कहा जरा ध्यान से देखिए ऊपर वो लाल लाल रक्त की धार जो रिवाल्वर की गोली से बही नीचे वो हरी हरी घास बीच में वो उज्जवल मस्तिष्क और वो चंदन बीज। चंद्रशेखर के कनपटी से चली लकीर घास पे गिरे तो बना माथ पे तिरंगा था। हिंदू था कोई तो मुस्लिम कोई सिख कोई ईसाई था किंतु प्राण प्राण में तिरंगा था। ईसाई था किंतु प्राण प्राण में तिरंगा था। जंग थी जो छेड़ी गई देश की आजादी हेतु देश रहा एक खड़ा शान में तिरंगा था। देश रहा एक खड़ा शान में तिरंगा था। फांसी के तखत पर चूमने जो डोर चले फांसी के तखत पर चूमने जो डोर चले जीवन के सारे अरमान में तिरंगा था। जीवन के सारे अरमान में तिरंगा था।
जी हानि में था, लाभ में था, सुख में था, दुख में था, मान अपमान अभिमान में तिरंगा था, मान अपमान अभिमान में। और साहब जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई उसमें ये कोई नहीं पूछता था कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, सारे लोगों का बराबर बराबर का बढ़ चढ़ के हिस्सा था। लड़ाई की दो धाराएं थी, एक छंद पढ़ता हूं, देखिए आपका नाम किसी का नहीं लेकिन आपका चेहरा उनके सामने आ जाएगा। हिंसा से लड़ा कोई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हिंसा से लड़ा कोई, अहिंसा से लड़ा कोई, हिंसा से लड़ा कोई, अहिंसा से लड़ा कोई, पे लक्ष्य एक था कि पांत पांत में तिरंगा था, लक्ष्य एक था कि पांत पांत में तिरंगा था। जितनी भी योजना बनाई क्रांतिकारियों ने, युद्ध की बिछी सभी बिसात पे तिरंगा था, युद्ध की बिछी सभी बिसात पे तिरंगा। लाठियों से भले भंग हुए अंग अंग, लाठियों से भले भंग हुए अंग अंग, गोलियों की भरी बरसात में तिरंगा था, गोलियों की भरी बरसात में तिरंगा था। जी हो गए बेहोश जब लाए अस्पताल में, हो गए बेहोश जब लाए अस्पताल में, तो डॉक्टर ने देखा फंसा दांत में तिरंगा था। हो गए बेहोश जब लाए अस्पताल में, तो डॉक्टर ने देखा फंसा दांत में।